guys, I'm Vishali Kikan from Dopamine और हम लोग discuss कर रहे हैं VLSI technology. हम लोग thermal processes discuss कर रहे हैं और आज एक बहुत ही important thermal process discuss करेंगे which is RTP. RTP is rapid thermal process. This is the introductory video on RTP और हम देखेंगे, understand करेंगे RTP होता क्या है. RTP as I already told you, RTP क्या है? Rapid thermal processing. किस लिए यूज होता है? पोस्ट इम्प्लांटेशन रैपिड थर्मल एनीलिंग के लिए यूज होता है. सो मोस्टली आरटीपी को आरटीए भी बोल दिया जाता है क्योंकि इसलिए इसे मोस्टली हम एनीलिंग के लिए यूज करते हैं. दिस प्रोसेस इज यूज मोस्टली फॉर रैपिड थर्मल एनीलिंग. सो यहाँ पर हमारे पास रैपिड वर्ड आ रहा है. रैपिड मीन्स फास्ट. तो यहाँ पर जो टेम्परेचर अप एंड डाउन होता है इट इज वेरी फास्ट. 100 से 150 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर सकते हैं हम टेम्परेचर इन 1 सेकेंड. हॉरिजॉन्टल फर्नेस में 1 मिनट में सिर्फ 15 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होता है और यहाँ पर 1 सेकेंड में 100 से 150 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर. सो यहाँ पर थर्मल बजट बहुत रिड्यूस हो जाता है. प्रोसेस कंट्रोल बहुत ईजी हो जाता है. रैपिड थर्मल प्रोसेस इज मच बेटर देन द फर्नेस प्रोसेस. सो यहाँ पर सिंगल वेफर रैपिड थर्मल केमिकल वेपर डेपोजिशन किया जा सकता है एंड वी कैन यूज सिंगल वेफर रैपिड थर्मल डेपोजिशन सीवीडी चैम्बर. इट इज यूज फॉर डिपॉजिट पॉलीसिलिकॉन एंड सिलिकॉन नाइट्राइड. आरटी सीवीडी को हम आरटी रैपिड थर्मल एनीलिंग भी होता है. रैपिड थर्मल केमिकल वेपर डेपोजिशन भी होता है. रैपिड थर्मल केमिकल वेपर डेपोजिशन को हम पॉलीसिलिकॉन और सिलिकॉन नाइट्राइड डेपोजिशन में यूज करते हैं. जो आरटी सीवीडी चैम्बर है इसे हम अदर प्रोसेस चैम्बर्स के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं ना क्लस्टर टूल फॉर इनलाइन प्रोसेस. इनलाइन प्रोसेस के दौरान हम आरटीसीवीडी चैम्बर को दूसरे प्रोसेस चैम्बर के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं. एक थिन ऑक्साइड लेयर हम ग्रो करवा सकते हैं. थिन ऑक्साइड लेयर ग्रो करवाना डिफिकल्ट था. आई टोल्ड यू रैपिड थर्मल ऑक्सीडेशन प्रोसेस से हम थिन ऑक्साइड लेयर ग्रो करवा सकते हैं जिसमें वेफर टू वेफर यूनिफॉर्मिटी कंट्रोल बहुत ज्यादा होएगा. मतलब एक वेफर में जो ऑक्साइड की थिकनेस है सेम ही दूसरे वेफर में ऑक्साइड की थिकनेस आ जाएगी और वेफर के अंदर भी जो थिकनेस है ऑक्साइड की पूरे वेफर के ऊपर जो ऑक्साइड की थिकनेस है वो भी यूनिफॉर्म रहेगी. राइट. सो विद द हेल्प ऑफ रैपिड थर्मल ऑक्सीडेशन वी गेट बेटर यूनिफॉर्मिटी कंट्रोल. ये हमारा आरटीपी चैम्बर है. स्कीमेटिक आप देख सकते हैं. यहाँ पर हम एक एक्सटर्नल चैम्बर यूज करते हैं. दिस इज द एक्सटर्नल चैम्बर. दिस ग्रे पार्ट इसके अंदर एक क्वार्ट्स चैम्बर है. ये क्वार्ट्स चैम्बर है हमारा. आप देख पा रहे हैं ये वाला. एंड यहाँ पर हम अपने टंगस्टन हेलोजन लैम्प्स यूज करते हैं. ये रेड पार्ट और नीचे जो रेड पार्ट है दीज आर माई टंगस्टन हेलोजन लैम्प. वी हैव एन IR पायरोमीटर ऑल्सो. इंफ्रारेड पायरोमीटर है जिससे हमें वेफर की लोकेशन पता लगती है. यहाँ पर वेफर रखा हुआ है. राइट. वेफर की लोकेशन वेफर के ऊपर जो लेयर बनी है उसकी थिकनेस IR पायरोमीटर से हम देख पाते हैं. यहाँ से प्रोसेस गैसेस हमारी यहाँ विंडो से मूव करवाते हैं अंदर. दिस इज माई लैम्प पैरे. सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो हॉरिजॉन्टल है दीज आर माई टॉप लैम्प एंड जो वर्टिकल है वर्टिकल लैम्प्स आर माई बॉटम लैम्प. टॉप लैम्प और बॉटम लैम्प के बीच में हमारा वेफर प्लेस्ड है. आप देख पा रहे हैं ऊपर से हमें हॉरिजॉन्टल लैम्प भी दिख पा रहे हैं वेफर के ऊपर. तो हॉरिजॉन्टल लैम्प हमारे टॉप लैम्प है. दिस इज द आरटीपी चैम्बर. आप देख पा रहे हैं आरटीपी चैम्बर है. यहाँ पर हम इस चैम्बर की हेल्प से हम रैपिड थर्मल प्रोसेसिंग कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू द एनीलिंग एंड डोपेंट डिफ्यूजन. 1100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा की बात करें उस टेम्परेचर पर एनीलिंग इज फास्टर देन डिफ्यूजन. एनीलिंग फास्टर होगी. डिफ्यूजन की सेकेंड वेव भी आ सकती है. आई टोल्ड यू डिफ्यूजन क्या है. अगर हमारे पास ये डोप्ड रीजन है यहाँ पर डोप्ड एन टाइप डोप्ड रीजन है तो ये एन टाइप एटम्स यहाँ ज़्यादा है देन कमिंग टू दिस पोर्शन. अगर टेम्परेचर हाई कर दिया तो एन टाइप डोप्ड रीजन इंक्रीज कर सकता है विड्थ में. डिफ्यूजन की सेकेंड वेव आ सकती है. राइट. सो एट ग्रेटर देन 1100 डिग्री सेल्सियस एनीलिंग फास्ट हो जाएगा डिफ्यूजन से. सो अगर हमें पोस्ट इम्प्लांटेशन एक यहाँ पर डोप्ड रीजन बनाने के बाद हमें एनीलिंग करनी है तो इट इज प्रेफर्ड एट हाई टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर पे करेंगे एनीलिंग तो एनीलिंग फास्ट करवानी है. डिफ्यूजन नहीं होने देनी है. ये जो पोस्ट इम्प्लांटेशन डिफ्यूजन होएगा ये हमारे स्ट्रक्चर को खराब कर सकता है. सो वी प्रेफर एनीलिंग एट हाई टेम्परेचर इन पोस्ट इम्प्लांटेशन एनीलिंग. हाई टेम्परेचर रैम्प रेट. सो यहाँ पर सिंगल वेफर रैपिड थर्मल प्रोसेस टूल यूज होता है एंड इट इज डेवलप्ड फॉर दिस एप्लीकेशन ओनली. इस एप्लीकेशन के लिए हम
सिंगल वेफर प्रोसेस ट्यूब यूज करते हैं। नाउ द डोपेंट एटम डिफ्यूज एट हाई टेम्परेचर, डोपेंट एटम हाई टेम्परेचर पर डिफ्यूज करते हैं एंड द फर्नेस हैज लोअर टेम्परेचर रैम्प रेट। फर्नेस की जो रैम्प टेम्परेचर रैम्प रेट है मैंने ऑलरेडी आपको बताया था 10 डिग्री सेल्सियस पर मिनट, इसकी थर्मल कैपेसिटी ज्यादा है, इस वजह से लोअर टेम्परेचर रैम्प होता है। फर्नेस एनीलिंग इज अ लॉन्ग प्रोसेस, फर्नेस एनीलिंग एक लॉन्ग प्रोसेस है जिससे डोपेंट डिफ्यूजन ज्यादा होता है, राइट। सो डोपेंट डिफ्यूजन ज्यादा होगा इन द फर्नेस एनीलिंग। वेफर एट वन एंड गेट मोर एनील देन द वेफर एट अनदर एंड, वेफर जो एक एंड पर है वहां पर ज्यादा एनीलिंग हो जाएगा, दूसरे एंड पर जो वेफर रखेगा मैं एनीलिंग हो जाएगा, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। बट विद आरटीपी प्रोसेस वी विल बी गेटिंग बेटर यूनिफॉर्मिटी। सो आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा कम टेम्परेचर पे डिफ्यूजन ओवर पावर करता है एनीलिंग को, बट हायर टेम्परेचर पे एनीलिंग ओवर पावर कर जाता है डिफ्यूजन को, एंड दैट्स वॉट वी वॉन्ट, जिससे कि डिफ्यूजन ज्यादा ना हो, डिफ्यूजन कॉन्स्टेंट रहे, एनीलिंग ज्यादा हो। सो आप देख पा रहे हैं अगर हमने रैपिड थर्मल एनीलिंग से एनीलिंग करी है तो आप देख पा रहे हैं ये जो डिफ्यूज्ड डोप्ड रीजन है ये उतना ही है जितना ऑलमोस्ट पहले था, बट फर्नेस में एनीलिंग करा है तो आप देख पा रहे हैं सेकेंड वेव ऑफ डिफ्यूजन आ गया है, डोप्ड रीजन इंक्रीज हो गया है। नाउ कमिंग टू द एडवांटेजेस ऑफ आरटीपी ओवर फर्नेस, आरटीपी के एडवांटेजेस क्या है, इट्स अ मच फास्टर प्रोसेस, इट्स अ फास्टर प्रोसेस, रैपिड थर्मल प्रोसेसिंग है तो नाम में ही रैपिड, इट्स अ फास्टर प्रोसेस। टेम्परेचर बहुत ज्यादा यूज करते हैं यहाँ पर, 1200 डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं तो डिफ्यूजन ओवर पावर नहीं हो पाता है, एनीलिंग ओवर पावर हो जाता है एंड वी गेट बेटर आउटकम, राइट। मच फास्टर रैम्प रेट फास्टर है, सेकेंड वेव ऑफ डिफ्यूजन नहीं हो पाता, 75 to 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होता है एक सेकेंड के अंदर, डोपेंट डिफ्यूजन मिनिमाइज हो जाएगा, बेटर कंट्रोल है, थर्मल बजट बेटर है, बेटर वेफर टू वेफर यूनिफॉर्मिटी कंट्रोल है। तो आप देख पा रहे हैं कि कैसे हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं, राइट। नाइट्रोजन फ्लो कांस्टेंट रखा है, नाइट्रोजन एम्बिएंट एनवायरनमेंट में हमने रखा है, वेफर लोड करवाते हुए टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर को रैम्प अप करवाते हैं, बहुत ही हायर टेम्परेचर आ गया है बहुत ही कम टाइम में, यहाँ पर एनीलिंग हो जाती है और टेम्परेचर कूल डाउन होता है थोड़े ज्यादा टाइम में और फिर वेफर अनलोड हो जाते हैं। कमिंग टू द थर्मल नाइट्राइडेशन, थर्मल नाइट्राइडेशन के लिए हम टाइटेनियम पीवीडी यूज करते हैं, टाइटेनियम की फिजिकल वेपर डेपोजिशन, देन द थर्मल नाइट्राइडेशन इज डन विद अमोनिया, अमोनिया प्लस टाइटेनियम विल गिव मी टाइटेनियम नाइट्राइड प्लस हाइड्रोजन गैस। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टाइटेनियम सिलिकन डाइऑक्साइड लेयर के ऊपर डिपॉजिट करवाते हैं, उसके ऊपर टाइटेनियम नाइट्राइड लेयर नाइट्राइड डिपॉजिट करवाते हैं, टाइटेनियम के साथ रिएक्ट करके टाइटेनियम नाइट्राइड बन जाता है। नाउ कमिंग टू द रैपिड थर्मल ऑक्सीडेशन प्रोसेस, रैपिड थर्मल ऑक्सीडेशन, रैपिड थर्मल ऑक्सीडेशन की हेल्प से, रैपिड प्रोसेस की हेल्प से हमें अल्ट्रा थिन सिलिकन डाइऑक्साइड की लेयर मिल जाती है, इवन लेस देन 30 एंगस्ट्रॉम, इतनी कम लेयर, इतनी कम थिकनेस की लेयर हमें रैपिड थर्मल ऑक्सीडेशन प्रोसेस से मिलती है, बेटर वेफर टू वेफर यूनिफॉर्मिटी, बेटर थर्मल बजट कंट्रोल एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। आरटीपी प्रोसेस डायग्राम देखते हैं, रैपिड थर्मल ऑक्सीडेशन हम अंडरस्टैंड करते हैं, सबसे पहले हमने वेफर लोड करा, टेम्परेचर रैम्प अप करा, टेम्परेचर रैम्प अप करने के बाद हमने क्या करा, ऑक्सीजन फ्लो करवा दिया, HCl फ्लो करवा दिया और यहाँ पर जो नाइट्रोजन प्रोसेस गैस थी उसे कम कर दिया, नाइट्रोजन गैस को कम कर दिया। नाउ द प्रोसेस ट्यूब इज फिल्ड विद HCl एंड O2, HCl O2 के साथ जब फिल करा तो यहाँ पर रैपिड थर्मल ऑक्सीडेशन हो जाएगा, रैपिड थर्मल ऑक्सीडेशन से डिजायर्ड ऑक्साइड की थिकनेस आ जाएगी, उसके बाद हमने टेम्परेचर कम करा, ऑक्सीजन फ्लो कम कर दिया, HCl फ्लो कम कर दिया, फिर से नाइट्रोजन एम्बियंट एनवायरनमेंट कर दी। अब नाइट्रोजन एम्बियंट एनवायरनमेंट होने के बाद फिर से टेम्परेचर इंक्रीज करा फॉर एनीलिंग, और एनीलिंग होते ही फिर हमने टेम्परेचर को कूल डाउन करना स्टार्ट करा, टेम्परेचर कूल डाउन होने के बाद वेफर अनलोडिंग। कमिंग टू द फ्यूचर ट्रेंड, फ्यूचर ट्रेंड इज टुवर्ड्स रैपिड थर्मल प्रोसेसिंग, वी हैव टू गेट द इन सीटू प्रोसेस मॉनिटरिंग, इन सीटू मतलब प्रोसेस जब चल रही है इन साइट के अंदर ही प्रोसेस को मॉनिटर करवाना समझना पड़ेगा, क्लस्टर टूल्स हमें समझने पड़ेंगे एंड फर्नेस विल स्टिल बी यूज इन द फ्यूचर ऑल्सो। नाउ कमिंग टू RTCVD, रैपिड थर्मल केमिकल वेपर डेपोजिशन, सो रैपिड थर्मल केमिकल वेपर डेपोजिशन का चैम्बर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये जो चैम्बर है, यहाँ पर हमारे पास लैम्प हाउसिंग है, दीज आर माई हीटिंग लैम्प, लैम्प हाउसिंग के अंदर हीटिंग लैम्प्स रखे हैं, रिएक्टेंट्स जो गैसेस हैं वो यहाँ से एंटर कर पा रही हैं, ये जो पिंक है ये वेफर है, यहाँ पर IR पायरोमीटर रखा हुआ है, यहाँ पर दिस इज माई क्वार्ट्ज विंडो, क्वार्ट्ज विंडो
वेफर कूल्ड चैम्बर वॉल हम यूज करें, जिससे चैम्बर का प्रेशर, चैम्बर का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहे। अगर बाहर से देखें तो चैम्बर का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट दिखे, बट अंदर आप देख पा रहे हैं क्योंकि हीटिंग लैम्प्स है, चैम्बर के अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ से रिएक्टेंट्स और बाय प्रोडक्ट्स रिमूव आउट हो जाएंगे। सो अब आप देख पाते हैं यहाँ पर कि टेम्परेचर कैसे इंक्रीज करता है फर्नेस में वर्सेस आरटीपी। सो फर्नेस में जो टेम्परेचर इंक्रीज होएगा, आप देख पा रहे हैं कितना स्लो इंक्रीज होएगा, और थोड़ा ही टेम्परेचर इंक्रीज होएगा, बहुत ज्यादा टाइम के लिए इंक्रीज होएगा और फिर कूल डाउन हो जाएगा। अगर हम आरटीपी की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बहुत ही कम टाइम में टेम्परेचर कितना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, देन डिक्रीज, एंड दस इट इज अ बेटर प्रोसेस, फास्टर प्रोसेस, बेटर प्रोसेस। क्लस्टर टूल देख लेते हैं। क्लस्टर टूल की हेल्प से हम रैपिड थर्मल प्रोसेसिंग करवा सकते हैं। यहाँ पर मेरा लोडिंग स्टेशन है, यहाँ पर हमारे पास एचएफ वेपर क्लीन क्लीनिंग करेंगे सबसे पहले, देन आरटीओ आरटीपी करेंगे, रैपिड थर्मल प्रोसेसिंग, रैपिड थर्मल ऑक्सीडेशन जो भी हमें करवाना है, देन आरटीसीवीडी रैपिड थर्मल केमिकल वेपर डेपोजिशन। जैसे ही डेपोजिशन हो गया कूल डाउन करवाएंगे वेफर अनलोडिंग। So now coming to the summary of RTP, it's a faster process, it is having better process control, thermal budget control रहेगा, wafer to wafer uniformity better है, dopant diffusion minimize हो रखा है, यहाँ पर we can use cluster tool and thus we have easy process integration. Thermal process, now we are winding up and now coming to the summary of thermal process. Thermal process में हमने oxidation पढ़ा, diffusion पढ़ा, annealing पढ़ा और deposition पढ़ा, चार processes पढ़ी, बहुत ही अच्छे से चारों प्रोसेस डिस्कस करी। ऑक्सीडेशन की बात करें तो वेट ऑक्सीडेशन इज फास्टर, ड्राई ऑक्सीडेशन हैज बेटर फिल्म क्वालिटी। वेट ऑक्सीडेशन फास्टर था और ड्राई ऑक्सीडेशन की फिल्म क्वालिटी बेटर थी। जो एडवांस्ड फैब्रिकेशन है वहाँ पर ड्राई ऑक्सीडेशन यूज होता है मेनली। डिफ्यूजन की हमने डोपिंग करवाई विद ऑक्साइड मास्क, राइट, ऑक्साइड मास्क हमने बनाया, ऑक्साइड से विंडो बनाई और देन वी डिड द डिफ्यूजन डोपिंग, राइट। एलपीसीवीडी हमने करवाया फॉर द पॉलीसिलिकॉन डेपोजिशन और सिलिकॉन नाइट्राइड डेपोजिशन। पॉलीसिलिकॉन और सिलिकॉन नाइट्राइड डेपोजिशन के लिए हमने एलपीसीवीडी प्रोसेस को समझा, एनीलिंग को प्रोसेस को समझा, जिससे कि क्रिस्टल का सिंगल क्रिस्टल फॉर्म रिएक्टिवेट हो गया एंड डोपेंट्स एक्टिवेट हो गए। आरटीपी प्रोसेस समझा, जिसमें बेटर कंट्रोल था, फास्टर था और लेस डिफ्यूजन था। फर्नेस में हमारे पास हायर थ्रूपुट थी, लो कॉस्ट थी, बट it was having lesser process control, and because throughput zyada hai, cost kam hai, it is continued to be used in the future fabrications also. These are the references, very amazing book, and you can refer these books. So I hope aapko session samajh aaya hoga, aapko session mein kafi cheeze pasand aayi hongi. Agar pasand aayi hai, like kare, subscribe kare, doston ke sath share kare, give me your feedback, and if you want to access the notes, you can go to our mobile app, link is present in the description box below, and also don't forget to meet me in the next class. Bye bye, stay tuned.